रस्ता साफ है साढ़े पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह उन्होंने टीम रस्ता साफ है सर रस्ता जो साफ हो जाए तो आप कहें कि जी पटीशन डिसमिस है क्योंकि पहला का ऑर्डर से अज का ऑर्डर ये जरूर दर्शकों साझा करो सर देखो ये नोटिफिकेशन जो हुई सी उस तो बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है डेट ऑफ नॉमीनेशन का उस तो बाद डेट ऑफ स्क्रूटनी का उस तो बाद डेट ऑफ विड्रॉल का जी पोलिंग है इफ नैसेसरी वो होनी सी 15 तरीक जी ये खिलाफ़ काफ़ी तादाद के सीधिया रिटा हाई कोर्ट के पाई गई जिन्हें कि प्रेयर ये कि भी किसी का नॉमीनेशन पेपर फाइल नहीं होया किसी का फाइल होया तो किसी ग्राउंड के उत्ते रिजैक्ट हो गया किसी का रिजैक्ट हो गया तो उन्होंने रीज़न नहीं पता लग्या ये सारिया चीज़ा जीडिया ने इन्हों के उत्ते पटिशन फाइल की गई सन पहले इंस्टेंस के उत्ते कोर्ट ने अबाउट 227 पटिशन के इंटरिम ऑर्डर करता कि सारिया पंचायतें जिड़िया कोर्ट के सामने ने इन्हों का इलेक्शन प्रोसैस जोड़ा वो स्टे किया जाता है उस तो बाद अगले दिन भी 4-5 रिटा लगियां जिन्होंने इंडिविजुअल केसिस के कोर्ट ने एग्जामिन करके कुछ इंटरिम ऑर्डर किए भी उन्होंने इलेक्शन लड़न का मौका दिता जाए लेकिन जिहड़ियां ज़्यादा पटिशन फाइल हुई अबाउट 600-700 दियां वो फ्राइडे नूं लगियां जिहड़ियां कि कोर्ट ने मंडे दे लई अज दे लई एडजर्न करतियां ते सानूं नोटिस देता जिन्हां दी असीं अज तैयारी करके कोर्ट दे अगे अपना पक्ष रख्या अज होर जिहड़ियां पटिशन सी कुछ फाइल हुई फिक्स टू डे लगियां सो तकरीबन अबाउट 900,000 पटिशन जिहड़ी सी कोर्ट ने कॉग्निजेंस अज लई इन्हां पटिशन दे विच कोर्ट ने सवेरे 10:15 हेयरिंग शुरू की थी ते हुण 4 उहदा कंकलूजन होया है जिस तो बाद कि कोर्ट ने जिहड़ियां ओह पटिशन सन जिहड़ियां पहले दो ऑर्डरस दे विच सन 227+4-5 उहनां नूं प्रीपोन कीता है ते फिर उस तो बाद सारिया पटिशनरां नूं पटिशनर साइड नूं सुन के सरकार नूं सुन के फैसला ये किया है कि सारिया पटिशन जिहड़ियां ने उहनां नूं डिसमिस कीता सर मैं जाणदा क्योंकि सवेरे तों तुसीं आर्गू कर रहे सीगे और लगातार मैराथन एयर आर्गूमेंट चले थोड़े वालों की आर्गूमेंट देखो साडा आर्गूमेंट जिहड़ा है अगर उन्हों मुद्दे के तौर पर देखा जाए तो प्योरली लीगल है लीगल आर्गूमेंट यह है कि बई 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कीती गई 2013 ऑनवर्ड उन्होंने ये कहा कि चैप्टर 9 असं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जिदे विच कि पंचायत ते म्यूनिसिपैलिटी इन्हां दी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ते इलैक्शन है वो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन होएगी वो चेंजेस जिहड़े ने वो एक्ट दे विच भी इनकॉर्पोरेट किए गए बाय वे ऑफ अ सबसीक्वेंट अमेंडमेंट कोई भी इलेक्शन का मुद्दा जिदे विच स्पेसिफिकली रिजेक्शन द एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमीनेशन पेपर सैक्शन 89 स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट के दर्ज है वो तुहानू इलेक्शन पटिशन इलेक्शन खत्म होने तो बाद फाइल करन दी ही ऑप्शन है सीधी रिट पटिशन जिहड़ी हाईकोर्ट च लोग फाइल कर देंदे हन अंडर लीगल एडवाइस वो सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 जजमेंट्स के ये नकारिया है कि भी सीधी पटिशन हाई कोर्ट में नहीं फाइल की जा सकती असी उन्हों का रेफरेंस दिता तो असी क्या क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बार है उसके इस करके इन्हों पटिशन एंटरटेन करना इलीगल है मैनेडेबिलिटी कोई एग्जैक्टली जिन्होंने असं कहने कि भी पटिशन मेंटेनेबल ही नहीं तो इस करके मेरिट्स के उत्ते जाने का तो सवाल ही नहीं होता लास्ट सवाल हूँ बिल्कुल रस्ता साफ है कल वोटों की हाँ कल क्योंकि 7 पोलिंग शुरू है तो अबाउट 13,222 पंचायतों ने पंजाब उन्होंने जोड़ा भी प्रोसैस हूँ तक होया है वो हिसाब न जिड़े भी कैंडीडेट्स इन फ्रे हैं उन्होंने इलैक्शन कल सवेरे 7 बहुत बहुत शुक्रिया।